नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में और निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी मेरे दोस्त मेरे मित्र यहां पर नवे हैं वो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी ने ये देखी, मैंने आज ये निफ्टी की कॉल भी दी थी, 12,100 की कॉल दी थी जो कि 56 रुपीज पर दी थी और इसने हाई लगाया 86 के नियर अबाउट, 86.65 का हाई लगाया। तो नियर अबाउट 65% का प्रॉफिट इसमें जो है, 65% का प्रॉफिट मतलब होना था, बट हमने इतना नहीं बुक किया। हमने जो है कुछ क्वांटिटी हमने नियर अबाउट 65 या 66 पे बुक कर ली थी और उसके बाद फिर बाकी क्वांटिटी हमने 85 पर बुक की। तो इसमें मैं बुलिश क्यों था, मैं आपको उसका कारण बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो इसने जो है इसको ब्रेक करके क्लोजिंग तो नीचे ही दी थी, बट मेरा ऐसा व्यू था कि अगर ये आज के हाई को क्रॉस करेगा तो निफ्टी एक बुलिश व्यू दिखा सकता है और सेम वैसा ही हुआ। तो इसलिए मैंने 12,100 की कॉल दी थी। और कल के लिए ये जो है, अगर निफ्टी आज के हाई को क्रॉस करता है तो इसमें हम जो है 12,130 और उसके बाद जो है 12,150 के लेवल देख सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। तो ये है अपना अडानी पोर्ट। तो अडानी पोर्ट ये देखिए गया, तो ये 380 के नियर अबाउट है लेकिन ऊपर से जो है इसमें सेलिंग प्रेशर आ गया। तो फिलहाल इसमें हम जो है बाइंग के लिए नहीं देखेंगे, इसमें हम सेलिंग के लिए देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा जो है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स भी मैंने जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ था, 1,750 रुपए के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो इसमें मैंने टारगेट वगैरह भी दिए हुए थे। तो इसमें अभी एक देखिए, इसने एक बुलिश हरामी टाइप की कैंडल बनाई है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रेड कलर की छोटी सी कैंडल बना रखी है। तो इसमें अभी हमारा व्यू जो है बाई साइड का नहीं रहेगा। अगर ये आज के हाई को क्रॉस करता है फिर हम इसमें बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। अगर ये 1,760 रुपये का लेवल क्रॉस करेगा फिर हम इसमें बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज हमारा इसमें सेलिंग का कोई व्यू नहीं है। नेक्स्ट है हमारा एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ने देखिए एक जो है काफी अच्छी बुलिश मूवमेंट दिखाई है। तो यहां पर ये देखिए, ये जो मैंने व्हाइट कलर की सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, जब ये स्टॉक यहां पर आया था नियर अबाउट 709-710 रुपए की नियर अबाउट ट्रेडिंग कर रहा था, उस टाइम ही मतलब एक मेरा ऐसा व्यू हो गया था कि अब यहां से जो है मतलब बिल्कुल राइट प्लेस है इसको बाउंस बैक करने के लिए, और वही हुआ। इसने जो है नियर अबाउट 2 दिन सस्टेन करने के बाद आज जो है एक बूम किया। तो इसमें जो है हमारा जो है नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा, ये देखिए एक मैंने ऊपर ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, हमारा इसमें नेक्स्ट टारगेट रहेगा 770 रुपये का। नेक्स्ट हमारा है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस देखिए, बजाज ऑटो है, बजाज ऑटो ये देखिए आप देख सकते हैं ये कंटिन्यू एक चैनल में जो है रन कर रहा है। ये देखिए चैनल के अपर साइड में आ गया, नीचे साइड में, फिर अपर साइड में टच किया, फिर नीचे आया, फिर इसने अपर साइड में टच किया और यहां पर एक इसने एक बेरिश कैंडल बनाई और फिर एक नीचे आया। अब ये जो है 5-6-7 दिनों से कंटिन्यू अब इस लेवल पर ही ट्रेड कर रहा है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल जो है वो है 3220 और 3225 के बीच में। अगर ये 3220 या 3225 को ये ब्रेक करता है तो हमारा जो इसमें टारगेट रहेगा वो रहेगा नियर अबाउट 3200 रुपये का इंट्राडे के लिए। नेक्स्ट हमारा है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस भी जो है आप देखिए नियर अबाउट 10 दिनों से ये जो है 4000 और जो है 3900 मतलब 100 रुपये के बीच में ही जो ये है कंटिन्यू ये ट्रेड कर रहा है। तो यहां पर मैं एक बात आपको और बता दूं, यहां पर इसने एक फ्लैग पैटर्न बनाया था, तो फ्लैग पैटर्न का यहां पर ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट देने के बाद नीचे इसको सपोर्ट मिल गया था 3880 के नियर अबाउट। तो यहां से सपोर्ट लेके ये जो है धीरे धीरे ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। अब मैं ये जो है ये मैं डिलीट कर देता हूं, अभी इसका कोई काम नहीं है। अब यहां पर इसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, ये देखिए ये जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी हुई है नियर अबाउट 4080 के लेवल पर इसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। 4080 का लेवल जैसे ही निकालता है इंट्राडे में तो हम इसमें जो है 4135 रुपए के लिए इसमें हम ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बजाज फिंजर्व। बजाज फिंजर्व भी देखिए, ये देखिए इसने कंटिन्यू बजाज फाइनेंस का पैटर्न फॉलो करते हुए यहां पर इसने सपोर्ट लिया था और आज जो है इसने एक डोजी टाइप की कैंडल बनाई है। तो डोजी टाइप की जो कैंडल होती है वो मतलब अनडिसाइडेड कैंडल होती है। तो और ये कैंडल भी इसने बनाई जो है बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल पर है। तो इसमें अभी जो है हमारा ना तो कोई बाइंग का व्यू रहेगा ना तो कोई सेलिंग का व्यू रहेगा। अब हम इसमें ये देखेंगे जब ये 9300 के ऊपर जब ये क्लोजिंग देता है फिर हम इसमें एक पोजिशनल बाय बनाएंगे।
मेरी बात ध्यान सुनिएगा, 93 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो हम इसमें एक पोजिशनल बाय बनाएंगे, और अदरवाइज अगर इंट्राडे में ये अगर आज का लो ब्रेक करता है 9150 रुपये के नीचे अगर ट्रेडिंग करना चालू कर देता है, तो इसमें हमारा जो है हम 9000 और 9080 के लिए हम इसमें जो है इंट्राडे की ट्रेड लेंगे। नेक्स्ट है हमारा भारतीय एयरटेल। तो भारतीय एयरटेल भी देखिए अभी अपने बिल्कुल सपोर्ट लेवल पर आकर जो है ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ये जो है सपोर्ट टूटनी चाहिए, क्योंकि जो है मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कंटिन्यू यहां पर 5-6 दिन सस्टेन करे। अभी हमको ये देखना है कि आगे ये जो है कल डायरेक्ट इसको तोड़ देता है या फिर 5-6 दिन इस लेवल पर सस्टेन करता है, तो इसमें हमारी अभी कोई बाइंग की कोई पोजिशन बाइंग का कोई ऐसा व्यू नहीं है। इसमें हमारा जो व्यू रहेगा वो 426 रुपये के नीचे अगर सोमवार को ये ट्रेड करता है तो इसमें हमारा जो है टारगेट रहेगा 420 रुपये, इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा जो है ब्रिटानिया। तो ब्रिटानिया भी देखिए काफी दिनों से एक चैनल के बीच में फंसा हुआ है, ये रिक्टेंगल के बीच में, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 नियर अबाउट मेरे को लगता है 15 से 20 दिन से हो गए ये यहाँ पर ही जो है कंटिन्यू यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। तो इसमें अब हमारा बाइंग साइड में अगर हमारा व्यू रहेगा, देखिए ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ट्रेंड लाइन आ रही है, तो हमारे इसमें बाइंग का व्यू तो तब रहेगा जब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे देता है। ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद ही हम इसमें बाइंग का व्यू देखेंगे, और सेलिंग का तो हमारा ऐसा रहेगा कि अगर ये 3000 रुपये के नीचे अगर ये क्लोज कर देता है तो हम इसमें जो है हम सेल के लिए हम जाएंगे, और अगर ये इंट्रा डे में आपको 3000 के नीचे क्लोजिंग करता हुआ सस्टेन करता हुआ दिख जाता है तो आप इसमें जो है सेल पोजिशन एक बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिप्ला। तो सिप्ला भी ये भी देखिए एक चैनल में ही काफी दिनों से ये नियर अबाउट अगस्त से ही जो है ट्रेड कर रहा है, पीछे इसने इस चैनल को ब्रेक भी किया था बट फिर जो है उसी चैनल में आकर फंस गया है। तो अभी यहां पर इसने जो है 450 रुपये के नियर अबाउट सपोर्ट लिया है, और इसमें हमारा व्यू जो है वो 460 रुपये के ऊपर, 465 रुपये के ऊपर जो है इंट्रा डे में 465 रुपये के ऊपर निकलेगा, तो हम इसमें 470 रुपये के लिए इसमें हम अपना ट्रेड बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर रेड्डी। ये देखिए डॉक्टर साहब को आज डॉक्टर रेड्डी जो है एक काफी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद जो है इसने मतलब जो है नीचे से बाइंग प्रेशर आ गया। बाइंग प्रेशर आने के बाद जो है देखिए इसने जो है हैमर टाइप की एक कैंडल बनाई है, तो इसमें हमारा जो है इसमें प्लीज शॉर्ट मत कीजिएगा, इसमें अगर आपको शॉर्ट करना भी है तो अगर तो 2770 के नीचे शॉर्ट करिए, अदरवाइज इसमें शॉर्ट पोजीशन बिल्कुल मत बनाइए। तो इंट्राडे में हमारा 2865 रुपये के ऊपर जैसे स्टॉक निकलता है इसमें हमारी बाइंग की पोजीशन रहेगी, क्योंकि ये देखिए इसकी यहाँ पर एक गैप है 2895 और 2865, तो ये नियर अबाउट 30 रुपये का गैप है, तो मंडे को ये जो है ये गैप फिलिंग करने के लिए ऊपर आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा है ग्रासिम। ग्रासिम में ये देखिए ग्रासिम के लिए ये जो है एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, एक हर्डल है 790 रुपये, तो जब तक ये 790 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा है हमारे इसमें कोई व्यू नहीं रहेगा। 790 रुपये के ऊपर जैसे ये ट्रेड निकलता है तो इसमें हमारा 805 रुपये और नेक्स्ट जो है हमारा इसमें 820 रुपये का टारगेट इसमें रहेगा। नेक्स्ट है हमारा एचसीएल टेक। तो एचसीएल टेक भी देखिए इन नई जो नीचे से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, अब इसके लिए एक सपोर्ट है, वैसे अगर इसको यहां से बाउंस बैक करना है तो मतलब ऐसा कोई मेरे को दिखता नहीं है, वैसे यहां पर सपोर्ट ही कोई बहुत ज्यादा जबरदस्त सपोर्ट नहीं दिख रही है मेरे को, बट अगर कर भी सकता है, लेकिन वह मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये 535 रुपये का लेवल, 535 रुपये का अगर इंट्राडे में ब्रेक करता है तो इसमें जो है हमारा नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 530 रुपये का रहेगा इंट्राडे के लिए। और नेक्स्ट हमारा है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक भी देखिए आज जो है इसने एक बेयरिश टाइप की कैंडल बनाई है, यहां पर एक रेजिस्टेंस इसने फेस किया है, वैसे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, कोई ज्यादा हैवी नहीं है, मैं यहां पर आपको ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ, ये एक रेजिस्टेंस जो है इसने लिया है, बट मेरे को नहीं लगता कि ये रेजिस्टेंस जो है इसके लिए काम करेगा। इंट्राडे के लिए इसमें जो हमारी जो हमारा ट्रेड रहेगा वो रहेगा 1272 रुपये के ऊपर, 1272 रुपये के ऊपर जैसे ही निकलता है हम इसमें जो है 1280 और 1285 रुपये के लिए इसमें हम अपना ट्रेड बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारा हीरो मोटो। तो हीरो मोटो देखिए बहुत एक जबरदस्त इसमें हमने एक प्रॉफिट बुक किया है, हमने हीरो मोटो का फ्यूचर ले रखा था, शॉर्ट कर रखा था, तो हमने इसको बुक कर लिया है अब, क्योंकि ये देखिए ये अपने सपोर्ट पर आकर इसने जो है एक हैमर टाइप की कैंडल बना दी थी, तो यहां पर हमने जो है अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो ये देखिए हैमर कैंडल बनाई है, कल कल की डेट में इसने जो है एक ग्रीन कैंडल भी बनाई थी, अब इसमें हम जो है प्लीज इसमें शॉर्ट मत कीजिएगा, अब
तो इसमें अब हमारा शॉर्ट का कोई व्यू नहीं है। अब 2350 रुपये के ऊपर जो है हम इसमें जो है इंट्राडे में हम बाइंग पोजिशन बना सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो है एच डी एफ सी बैंक भी देखिए काफी अच्छे बुलिश मूवमेंट में चल रहा है। ये देखिए यहाँ पर इसने फ्लैग पैटर्न बनाया था, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ तो इसने काफी अच्छी मूवमेंट दी थी 2236 रुपये से 2347 रुपये की। उसके बाद फिर इसने एक जो है फ्लैग टाइप का ही पैटर्न बनाया था, ये देखिए ये फ्लैग टाइप का पैटर्न बनाया था, तो आज ये फ्लैग जो है पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है। तो जैसा आप यहां पर देख सकते हैं फ्लैग पैटर्न का जब ब्रेकआउट होता है तो उसका 2 गुना या 3 गुना आपको प्रॉफिट मिल जाता है। तो यहां पर आज भी जो है फ्लैग का जो है ब्रेकआउट हुआ है, बट जहां पर इसने आज क्लोजिंग दी है यहां पर एक रेजिस्टेंस है। ये कैंडल देखिए, ये जो है ये जो है 2350 रुपये पर एक जो है इसका रेजिस्टेंस है। 2350 रुपये के ऊपर इंट्राडे में इसको निकलकर कुछ दिन सस्टेन हो लेने दीजिएगा, उसके बाद इसमें बाइंग पोजीशन बनाइएगा, शॉर्ट इसमें बिल्कुल मत कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक देखिए काफी दिनों से जो है एक बुलिश मोमेंटम में था, बहुत अच्छा इसमें भी हमने प्रॉफिट जो है बुक किया है। तो आज देखिए ये जो है इसका जो है पिछला रेजिस्टेंस जो था 537 रुपये से जो है ये डाउन मूव स्टार्ट हुआ था, उसके बाद फिर आज फिर इसने जो है 537 रुपये पर क्लोजिंग दी है। और यहां पर एक देखिए इसने बिल्कुल बेरिश टाइप की कैंडल बनाई है, तो इसमें अलर्ट रहिएगा, इसमें बाइंग पोजीशन बिल्कुल भी मत इसमें क्रिएट करिएगा। इसमें जो है अब हमारी जो है व्यू सेल साइड का है, और 535 और 534 रुपये के नीचे जैसे 10 से 15 मिनट सस्टेन करने लग जाएगा, फिर हम इसमें आईसीआईसीआई बैंक में हम जो है एक सेलिंग की पोजिशन बनाएंगे इंट्राडे के लिए। नेक्स्ट है हमारा इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक देखिए, ये देखिए इसमें काफी तेज डाउनफॉल आ रहा था, और यहां पर इसको एक सपोर्ट मिला 1400 रुपये के लेवल पर। 1400 रुपये पर इसने जो एक डोजी टाइप की कैंडल बनाई, और उसके बाद ये फिर 2 दिन से जो है इसने बुलिश मोमेंटम पकड़ ली है। तो इसमें हम आपने जो है इसमें बाइंग कब बनानी है, इसका एक हर्डल है 1500 रुपये पर। 1500 रुपये के ऊपर जैसे ही ये निकलेगा, 5 से 10 मिनट सस्टेन हो जाए, आप इसमें इंट्राडे में ट्रेड बना सकते हैं। जल्दबाजी मत करिएगा, इसमें शॉर्ट पोजीशन बिल्कुल मत बनाइएगा। नेक्स्ट है हमारा इन्फी। तो ये देखिए इन्फी को शायद हाँ मैंने टेलीग्राम पर भी दिया था, अगले 725 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देता है, बट इसने 725 रुपये के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, और इसने एक बीरिश एंगल्फंग टाइप की कैंडल एक बना दी थी। तो आज जो है इसने फिर जो है एक ग्रीन कैंडल बनाई है, तो इसमें जो है बैंक पोजीशन अभी मत बनाइए। मेरे ख्याल से ये जो है अपना ये सपोर्ट लेवल ये टेस्ट करने आ सकता है, तो इसमें जो है बैंक पोजीशन मत बनाइए। इसमें शॉर्ट की तरफ देखिए, शॉर्ट की तरफ भी आपको कब देखना है, जैसे ये 700 रुपये के नीचे क्लोजिंग देता है, 700 रुपये के नीचे क्लोजिंग देता है, या इंट्राडे में 700 रुपये के नीचे 5-10 मिनट सस्टेन करता है, फिर आप इसमें जो है 680 और 690 रुपये के लिए आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट है कोटक बैंक। कोटक बैंक भी देखिए काफी अच्छे एक मोमेंटम में चल रहा है। ये देखिए इसका एक रेजिस्टेंस था जो कि 1680-1682 रुपये में था, तो यहां पर इसने एक ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट भी काफी अच्छा है, बट इसमें आज जो है एक पैटर्न बना दिया है जिसको हम बोलते हैं रेलवे ट्रैक पैटर्न। तो इसमें जो है हमको थोड़ा संभल के ट्रेडिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि हमको सभी स्टॉक में ट्रेड ही करना है, जहां पर आपको बहुत अच्छा सेटअप दिखाई दे, आपको मल्टी कन्फर्मेशन दिखाई दे, वहां पर आपने ट्रेड करना है, क्योंकि पैसे आपके हैं। इंट्राडे में सर हम यहां पर कमाने आए हैं, हम यहां पर गंवाने नहीं आए हैं। बहुत सारे दोस्त हमारे, बहुत सारे मित्र जो है इंट्राडे में काफी पैसे गंवा चुके हैं। मेरे को एक्चुअली काफी फोन आते हैं, कोई किसी ने मेरे को बताया मैं 25 लाख रुपये सर में लॉस कर चुका हूं, किसी ने मुझे बताया सर मैं 10 लाख रुपये लॉस कर चुका हूं, कोई 15 लाख रुपये लॉस कर चुका है। उन्होंने लॉस कहा कि ये है फ्यूचर में ट्रेड लेकर और इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो सर इंट्राडे ट्रेडिंग एक बहुत ही सिंपल चीज है, आप इसको कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल मत बनाइए। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपका अच्छा माइंडसेट होना चाहिए। इंट्राडे में बहुत पैसे, आप छोटे से पैसे से छोटे से समय में आप बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं, बट उसके लिए आपके पास एक अच्छा माइंडसेट होना चाहिए और एक अच्छी स्ट्रेटजी का आपके पास होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप यहां पर पैसे नहीं बना पाएंगे। मेरे हिसाब से तो इंट्राडे ट्रेडिंग एक बहुत ही सिंपल चीज है, अगर इसको तरीके से किया जाए, चीजों को सिंपल रखा जाए, तो यहां से पैसे बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं, डेली और कंसिस्टेंट पैसे यहां से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसी कुछ इंट्राडे के लिए कुछ स्ट्रेटजी वगैरह चाहिए या कुछ ऐसा कुछ चाहिए, तो आप मेरे को मेरे मेल आईडी पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है angeltechanalysis@gmail.com। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलटी। एलटी भी देखिए यहां पर देखिए इसने सपोर्ट पे आकर, मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ, कंटिन्यू जो है आपको एक अच्छा फिगर दिखाई देगा। ये देखिए नीचे से मैंने एक ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करके रखी हुई है, ये रेड कलर की जो आप देख रहे हैं, तो ये ट्रेंड लाइन देखिए कंटिन्यू
वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम, फाइव टाइम, सिक्स टाइम, ये सेवन टाइम। तो सेवन टाइम जो है इसने यहाँ पर जो है इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है। तो अब यहाँ एक यहाँ पर इसके पास जो है सपोर्ट भी था 1250 रुपए के नियर अबाउट, और 1250 या 1300 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है जहां से अक्सर स्टॉक उठ जाया करते हैं। तो हम यहाँ पर जो है अभी कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, अब हम इसको 1315 रुपए के ऊपर क्लोज हो लेने देंगे। अगर हमने इसमें आपने इसमें कोई पोजिशन वगैरह बनानी है, पोजिशन की बात कर रहा हूं, अगर पोजिशन वगैरह कोई बनानी है तो आप 1315 रुपए के ऊपर पहले एलटी को क्लोज हो लेने दीजिए, उसके बाद इसमें ट्रेड बनाइए। अब अदरवाइज जो है आप इसमें ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये ट्रेंड लाइन पे ये स्टॉक जो है सेवन टाइम्स ये टेस्ट कर चुका है। तो इसमें प्लीज जो है थोड़ा अलर्ट होकर ट्रेड करिएगा, 1315 रुपए के ऊपर क्लोजिंग के बाद ही आप इसमें पोजिशन बनाइए, अदरवाइज पोजिशन इसमें मत बनाइए। एम एन एम भी ये देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा ये देखिए। शायद मैं ऐसा कभी नोट कर चुका हूँ, मेरे को कई लोगों के फोन आते हैं कि सर मैं 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 3 साल से कर रहा हूँ, 5 साल से कर रहा हूँ, बट सर हमको सपोर्ट लाइन ड्रॉ करनी नहीं आती, रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करनी आती है। हम ड्रॉ करते हैं और जो है हमको लगता है ब्रेकआउट हो गया है। बात उनकी भी सही है, मान लो अब उन्होंने कहीं गलत जगह पर ट्रेंड लाइन सपोर्ट या रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है, उसके बाद उनको लगता है कि ब्रेकआउट हो गया है, बट ऐसा नहीं होता है, वहां पर कई बार सपोर्ट होता है तो वो ट्रैप हो जाते हैं और वहां पर बाइंग या सेलिंग की पोजीशन बना लेते हैं हैवी क्वांटिटी, क्योंकि वो जो है उस पर काफी निश्चित होते हैं कि हाँ जी बिल्कुल ओके ब्रेकआउट हुआ है, तो वहां पर ट्रैप हो जाते हैं और अपनी जो है हार्ड मनी लूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप जो है अपना हॉरिजॉन्टल लाइन को जो है प्रॉपर सही ढंग से ड्रॉ करना सीखिए। अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी नहीं आई, क्योंकि देखिए शेयर मार्केट में हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन से ही पैसे बनाए जाते हैं, अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है इंट्राडे ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग भी, इसको अगर आप बिल्कुल सिंपल रखें तो। तो ये देखिए ये जो मैंने नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, यहां पर इसने एक्यूरेट आकर यहां पर इसने एक जो सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर की तरफ चल पड़ा है। तो अब इसमें अगर किसी मेरे फ्रेंड ने पोजीशन बनानी हो तो 530 रुपए के ऊपर पोजीशन बनाए, नीचे जो है अभी जो है इसको 530 रुपए के ऊपर सस्टेन हो लेने दे, नीचे आप पोजीशन बनाकर इसमें ट्रैप हो सकते हैं। मारुति ये देखिए, मारुति ने आज जो है इसमें एक जबरदस्त जो है रैली दिखाई है, काफी अच्छी मूवमेंट दिखाई है, नियर अबाउट 215 रुपए का हाई लाकर जो है क्लोज हुआ है। तो मारुति में ये देखिए एक यहां पर एक फ्लैग टाइप का पैटर्न यहां पर है, ये फ्लैग पैटर्न है, ये एक मैंने ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी है कि नीचे से, तो ये देखिए यहां पर ये नियर कुछ फ्लैग टाइप का ही पैटर्न बनना था। इसके ब्रेकआउट के बाद देखिए 67 एंड 77 1000 रुपीज की यहां पर रैली हुई है, 1000 रुपए की। तो यहां पर भी आप थोड़ा जो है देखिएगा, यहां पर भी काफी अच्छी रैली हो सकती है, बट आप इसमें अगर पोजीशन बनानी है तो 7300 रुपीज के ऊपर पोजीशन बनाइए, 73 रुपीज के नीचे आप इसमें पोजीशन बनाइए, 7300 रुपीज के ऊपर जो है आप इसमें एक जो है अच्छी रैली की के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेस्ले। नेस्ले आज मैंने जो है टेलीग्राम पर भी दिया था, बट वो दैट इज ओनली व्यू, एक व्यू था, उसको हमने ट्रेड नहीं किया था। तो ये देखिए नेस्ले भी जो है अपने इस सपोर्ट लेवल पर काफी टाइम से सस्टेन कर रहा है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 7 8 9 10, तो नियर अबाउट 7 टाइम से जो है इसी लेवल पर सस्टेन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये सपोर्ट टूटनी चाहिए, जहां तक मेरे को लगता है ये सपोर्ट टूटनी चाहिए, आज नहीं 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद टूटे। बट यहां पर भी अगर हम देखें तो यहां पर एक हैमर टाइप की कैंडल बनी हुई है नेस्ले में, तो इसलिए जो है हमारा सेल साइड का व्यू भी नहीं जाता है। तो और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी यहां पर आ रही है, अगर हम इसमें हम बाइंग भी करते हैं तो यहां पर जाकर कहीं रेजिस्टेंस ले सकता है। तो ऐसे स्टॉक्स को हम अवॉइड करेंगे जिसमें हम बिल्कुल हम पक्के ना हो कि नहीं कि ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी जा सकते हैं, हम ऐसे ट्रेड को हम अवॉइड कर देंगे। और सर मैं आपको जो है निफ्टी 50 में जो है मतलब जो अच्छे काफी अच्छी मूवमेंट करते हैं, मैं स्टॉक्स के बारे में आपको बताता हूं, जो छोटे छोटे स्टॉक हैं जैसे एनटीपीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, तो मैं इस तरह के स्टॉक्स के बारे में आपको नहीं बता रहा हूं, मैं नेक्स्ट आपको बता देता हूँ पावर ग्रिड, क्योंकि पावर ग्रिड में काफी अच्छी मोमेंटम हो जाती है। तो ये देखिए पावर ग्रिड ने ये जो है काफी दिनों से एक बेरिश मोमेंट दिखा रहा था, यहां पर नीचे देखिए सपोर्ट थी इसके पास, ये नियर अबाउट 177 पे इसको सपोर्ट मिली और इसने बहुत अच्छी एक हैमर कैंडल बनाई। हैमर कैंडल बनाने के बाद ऊपर से ये देखिए इसने एक बेरिश टाइप की कैंडल बना दी, यहां तक ये ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ गया, तो हम जो है पावर ग्रिड में भी हमारा इस टाइम कोई व्यू नहीं है। नेक्स्ट रिलायंस, रिलायंस में भी कोई व्यू नहीं है अभी। नेक्स्ट हमारा एसबीआई, तो एसबीआई ये देखिए
एसबीआई में एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से आ रही है, आप देख सकते हैं, ये देखिए फर्स्ट टाइम इसने यहां पर जो है रेजिस्टेंस था, फिर इसका सपोर्ट बना, फिर ये सपोर्ट टूटा, उसके बाद फिर यहां पर जो है रेजिस्टेंस पे सस्टेन करते रहा, ऊपर गया फिर नीचे गया। जैसे ही आपने ये देखा कि यहां पर ब्रेकआउट हुआ, तो हमारे कई दोस्तों ने सोचा होगा कि यार ब्रेकआउट होगा, अब इसमें पोजीशन बना लेते हैं, लोगों ने हैवी क्वांटिटी के साथ इसमें पोजीशन बनाई होगी, बट उसके बाद ही यहां पर एक रेजिस्टेंस था। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ लोग कैसे ट्रैप होते हैं, वो चीज बता रहा हूं मैं। यहां पर भी एक जो है हमारे पास रेजिस्टेंस था, तो ये रेजिस्टेंस लोग मतलब देखते हैं कि हाँ ये तो छोटा रेजिस्टेंस भी निकाल लेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, कई बार छोटी चीजें ही मार्केट में काफी चीजें कर जाती हैं। तो अब हम जो है यहां पर, वैसे तो हम अभी इसमें बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, अभी 333 रुपए के ऊपर ये है, सॉरी 338 के रुपीज के ऊपर हम जो है इसमें, हम इंट्रा डे में 346 की हम पोजिशन बना सकते हैं। इंट्रा डे के लिए पोजिशन के लिए नहीं कह रहा हूँ शायद, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम यहां पर जो है रेजिस्टेंस लेकर यहां से बैक हो चुका है, रिवर्स हो चुका है, तो जो है मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि सेकेंड टाइम भी यहां से जो है ये रिवर्स होना चाहिए। अगर मार्केट में काफी अच्छी मोमेंटम रही तब ये जो है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा सनफार्मा। सनफार्मा में देखिए आज कितनी अच्छी कैंडल बनाई है, इसको तो हम बोल सकते हैं महाबुलिश कैंडल। और ये देखिए ये जो कैंडल आज बन रखी है काफी अच्छी कैंडल बनाई हुई है, तो इसमें हम पोजीशन बनाएंगे 445 रुपए के ऊपर। अगर पोजीशन की बात कर रहा हूँ, 445 रुपए के ऊपर हम इसमें पोजीशन बनाएंगे। इसमें हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 453 और सेकंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 461। नेक्स्ट है हमारा टीसीएस। टीसीएस भी काफी दिनों से एक ही जगह ऊपर नीचे हो रहा है, इसमें भी कुछ सिस्टम, इसमें कैंडल तो काफी अच्छी बनाई हुई है, बुलिश एंगलफिंग कैंडल बना रखी हुई है। ये देखिए बुलिश एंगलफिंग कैंडल हम कहते हैं जो मतलब पिछले कैंडल को पूरा अपने अंदर संभाले, तो ये बुलिश एंगलफिंग टाइप की कैंडल है। तो इसमें इंट्राडे जो में हम ट्रेड बनाएंगे 2080 रुपए के ऊपर, फर्स्ट टारगेट हमारा इसमें रहेगा 2100 रुपये और सेकेंड टारगेट हमारा रहेगा इसमें 2124 रुपये। नेक्स्ट हमारा है टाटा मोटर। टाटा मोटर ये देखिए, ये मैंने टेलीग्राम पर भी दे रखा था टाटा मोटर, तो टाटा मोटर मैंने कल ही दे दिया था टेलीग्राम पे कि अगर ये 175 रुपए का जैसे ही ऊपर निकलता है आप इसमें बाइंग बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 5 से सवेरे 5 से 10 मिनट के अंदर इसने जो है 185 पॉइंट कुछ का हाई लगाया, तो मैंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग करा दी थी। तो इसमें आज हमने जो है, हमने और जो हमारे टेलीग्राम में जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने जो है 5% का इसमें प्रॉफिट बुक किया है, तो काफी एक अच्छा प्रॉफिट होता है 5% का इंट्रा डे में। आपको शायद कम लग रहा हो लेकिन अगर 5% के हिसाब से अगर डेली प्रॉफिट बना रहे हैं तो आप सोच लो आपकी कैपिटल जो है एक महीने में ही जो है 1 लाख की 2.5 लाख होने वाली है। तो आप एक जो है इंट्राडे में 1 से 2% प्रॉफिट बहुत होता है, 5% यहां पर आज मैंने बुक किया है, तो उसके लिए जो है मतलब काफी हमने एनालिसिस की थी टाटा मोटर्स पर। मैं जो भी कॉल देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल्स पर उस पर मैं काफी एनालिसिस, काफी मेहनत करता हूँ तब मैं वो कॉल देता हूँ। मैं ऐसे मैं कोई कॉल नहीं देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास जो भी हार्ड मनी है मैं ऐसे पैसे आपके खराब नहीं करना चाहता। और जो कॉल मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ वो कॉल्स ऐसी हैं जो आप पेड सर्विस में आप जो लेते हो, जो 10,000 रुपीज पर मंथ या 15,000 रुपीज पर मंथ आप देके लेते हो, मैं ऐसी एनालिसिस, उस तरह की एनालिसिस होती है मेरे जो कॉल होती हैं टेलीग्राम पर। तो कृपया आप उनको फॉलो करिए, आप उनको चाहे ट्रेड करिए चाहे मत करिए बट उनको एक बार फॉलो करिए। और जो है मतलब उसको ऐसा नहीं कि मतलब हमने, आप जैसे उसको अपनी वॉच लिस्ट में लगा लीजिए, आप देखिए वो स्टॉक क्या करता है, ठीक है ना। और टाइम टू टाइम जो है मैं अपडेट करते रहता हूँ अपने टेलीग्राम पे चैनल पर कि अब आपको मतलब इतनी प्रॉफिट बुक कर लो, इतने प्रॉफिट बुक कर लो। और सेकेंडली मोस्ट मैं अपने टेलीग्राम सब्सक्राइबर को बताना चाहता हूँ कि मैं जो भी कॉल देता हूँ उसको आप फोर्थ पार्ट में बुक करिए, ऐसा नहीं कि आपने उसको मैंने अगर दे दिया कि सम बुक सम प्रॉफिट तो आपने वहां पर सारा बुक कर लेना, सारा बुक नहीं करना है, हमने जो है अपना एसएल ट्रेल करना है कंटिन्यू, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपने 100 क्वांटिटी ले रखी है, तो मैं जैसे पहली मैंने प्रॉफिट बुकिंग बताई तो 50 क्वांटिटी बुक कर लिए, सेकंड क्वांटिटी बताई तो 25 और बुक कर लिए, और 25 जो आपके बचती है उसको कंटिन्यू ट्रेल करते रहिए 3:30 बजे तक, क्या पता आपको 5 रुपये के 50 रुपये मिलने हो। तो इसलिए जो है माइंड सेट अपना प्रॉपर बिल्कुल ओके रख के काम करिए, बहुत पैसे इंट्रा डे में आप पैसे रख नहीं पाएंगे इतने पैसे इंट्रा डे में। नेक्स्ट हमारा टाइटन। तो टाइटन भी देखिए इस लेवल को जो है मैंने अपने दे रखा है टेलीग्राम चैनल पर कि 1200 रुपये के ऊपर जैसी क्लोजिंग देगा तो इसमें जो है ये देखिए ये जो गैप है इसमें, ये हमने सारा गैप हमने अपना प्रॉफिट लेना है, हमने इसको छोड़ना नहीं है। तो 1200 रुपये के ऊपर की क्लोजिंग जो है इसको नियर अबाउट हमको 80 से 100 रुपये का प्रॉफिट यहां पर दिला सकती है।
तो इसमें ध्यान रखिएगा शॉर्ट जो है, अभी इसमें कैंडल तो जो है इसने आज बना रखी है, बेरिश कैंडल ही बना रखी है, बट यहां से जो है एक ट्रेंड लाइन मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये ट्रेंड लाइन है, अगर हम इसमें शॉर्ट भी करते हैं तो हमको बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुक करने को नहीं मिलेगा, 10 से 12 रुपये मिलेगा। 10 से 12 रुपये भी वैसे कम नहीं होता, 1% है। तो अगर इसमें आपने सेलिंग पोजिशन बनानी है तो 1180 रुपये के नीचे आप इसमें सेल कर सकते हैं, और 1110 रुपये का प्रॉफिट लेकर आप इसमें से तुरंत निकल जाइए, ज्यादा इसको होल्ड मत करिएगा। और पोजिशनल वालों के लिए बता रहा हूं कि इसमें 1200 रुपये के ऊपर इसको जब क्लोज हो जाएगा, नेक्स्ट डे जो है क्लोजिंग होने के बाद जो है हम इसमें अपनी पोजिशन बनाएंगे, जो हमारी 1282 और जो है 1310 रुपये के टारगेट के लिए रहेगी। नेक्स्ट है हमारा यूपीएल, यूपीएल भी है जो है देखिए 10-15 दिन से कंटिन्यू एक ही जगह सस्टेन कर रहा है, तो इसमें जो है हमारी जो इंट्राडे की जो हमारी पोजीशन रहेगी वो हम बता देता हूँ, ये 563 के नीचे हम इसको सेल करेंगे। तो 563 के नीचे सेल करके हम हमारा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 554 और 550। लेवल ध्यान से सुन लिया करिए, ऐसे ट्रेड मत करिएगा। अब ये देखिए हमारा ये है अल्ट्राटेक सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट को मैंने आज अपने टेलीग्राम चैनल पर मैंने सेल दिया था, वो मैंने सेल जो दिया था वो सेल दिया था मैंने अब बताया हूँ वो 3970 रुपये के नीचे, बट 3970 रुपये का आज लेवल आया ही नहीं तो हमारा ट्रेड भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मैंने वो सेल क्यों दिया था मैं बताया हूँ, ये देखिए एक ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट हुआ था और जो है कल इसने जो है ये टेस्ट किया था ट्रेंड लाइन, तो ऐसा मेरा व्यू था कि ये अगर 3970 का लेवल ब्रेक करेगा तो बहुत फास्ट मूवमेंट दिखाएगा जो नियर अबाउट 70 से 80 रुपये की होगी, बट इसने जो है आज ये देखिए ये जो ट्रेंड लाइन में पीछे स्टॉक रखी हुई इसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो आज इसने जो है काफी अच्छी एक बुलिश कैंडल बना दी है जिसको हम हैमर बोलते हैं, तो बुलिश कैंडल बना दी है। अब इसमें हमारा शॉर्ट साइड का कोई व्यू नहीं है, अब इसमें हमारी बाइंग साइड का व्यू है। तो इसमें जो है इस अल्ट्राटेक सीमेंट को मैं अब जो है सोमवार को फिर टेलीग्राम चैनल पर कॉल दूंगा और वो कॉल रहेगी बाय की, और वो बाय रहेगा 4100 रुपये के ऊपर, 4100 रुपये के ऊपर हमारा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 50 से 60 रुपये का इंट्राडे के लिए। तो लेवल ध्यान रखिएगा, लेवल ध्यान में रखे ट्रेड करिएगा। नेक्स्ट है हमारा विप्रो, विप्रो भी देखिए ये देखिए काफी दिनों से ये जो है नियर अबाउट नवंबर से लेकर दिसंबर तक जो है एक चैनल में ही जो है कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है, 245 और नीचे जो है 236, तो नियर अबाउट 9 से 10 रुपए के बीच में कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब ऐसे लेवलों का ब्रेकआउट होता है तो काफी जबरदस्त ब्रेकआउट होता है, तो ऐसी चीजों पर आप अलर्ट लगा के रखिए, अगर आप अलर्ट लगाते हैं तो आपको पता लग जाता है कि हाँ इनका ब्रेकआउट हो गया और आप ट्रेड इसमें बना सकते हैं। तो इसमें हमारा जो ट्रेड प्लान रहेगा वो 245 रुपीज के ऊपर रहेगा और इसमें हमारा टारगेट रहेगा 253। ध्यान रखिएगा 245 के ऊपर रहेगा और टारगेट हमारा पहला टारगेट रहेगा 253 और सेकंड टारगेट रहेगा 260, पोजिशनल वालों को बता रहा हूँ। और इंट्राडे के लिए भी अगर ये 245 के ऊपर निकल के ट्रेड करना चालू करता है, 5 से 10 में सस्टेन करने लग जाए, फिर आप इसमें जो है 240 250 के लिए इसमें अपना अपना पोजिशन बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यस बैंक, यस बैंक तो अब देखने का मन नहीं करता भाई, ये देखो ये जैसे हमने ट्रेंड इसको भी हमने दो पता नहीं 3 दिन पहले इसमें प्रॉफिट बुक किया है अपना, ये देखिए हमने इसमें ट्रेड क्यों लिया था, ये देखिए यहां पर जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था तो यहां पर तो हमने ट्रेड नहीं लिया था, हमने इसके लो के नीचे नियर अबाउट 60 रुपीज के नियर अबाउट हमने ट्रेड लिया था, तो हमारा इसमें ट्रेड लेने का जो है रीजन था ये देखिए ट्रेंड लाइन जो मैंने नीचे से ड्रॉ कर रखी हुई है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद इसने जो है इसका सपोर्ट ये था 39 रुपीज का, तो हमने नियर अबाउट इसमें 42-43 पे नियर अबाउट हमने प्रॉफिट इसमें बुक किया था। तो अब देखिए ये अपने सपोर्ट पर जो है सपोर्ट पर आके 1-2 दिन सस्टेन कर रहा है, तो इसमें ध्यान रखिएगा इसमें बाइंग पोजिशन बिल्कुल भी मत बनाइएगा, या पोजिशनल वाले मेरे भाई हो या इंट्राडे वाले हो, इसमें पोजिशन मैं तो कहता हूं ऐसे स्टॉक को ही बिल्कुल अवॉइड करिए, ना तो आप इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करिए ना ही आप इसमें पोजिशनल ट्रेडिंग करिए। हाँ पोजिशनल ट्रेडिंग तब करिए या तो आप इसके बारे में बहुत एक्सपर्ट हैं, काफी मतलब स्ट्रेटेजीज हैं आपके पास और आपकी जो है चीजें मतलब कंसिस्टेंट प्रॉफिट करते हैं, फिर आप इसमें पोजिशनल ट्रेड बनाइए, अदरवाइज ऐसे स्टॉक को जो है अवॉइड करिए, बहुत सारे स्टॉक हैं एनएससी बीएससी में, आप दूसरे स्टॉक की तरफ ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है हमारा झील, तो झील भी जो है देखिए अपने सपोर्ट लेवल पर खड़ा है 270 पर, तो 270 से ही जो है ये देखिए सबसे पहले मैं आपको यहां पर एक पैटर्न बता दूं, यहां पर एक पैटर्न बना था, इस पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, पैटर्न का ब्रेकआउट होने के बाद देखिए 262 रुपये से एक ही दिन के अंदर 314 रुपये, ये होती है पैटर्न का जब ब्रेकआउट होता है जो रियल ब्रेकआउट होता है, फेक ब्रेकआउट नहीं, तो ये एक रियल ब्रेकआउट था, तो ये हमने 263 रुपीज के ऊपर ये शायद मैंने कॉल भी दी थी अपने टेलीग्राम चैनल पर जिस टाइम ये ब्रेकआउट हुआ था, तो एक दिन के अंदर ये देखिए नियर अबाउट
30 से 35% की मूवमेंट जो है काफी होती है एक दिन के अंदर। तो अब जील के अंदर हमारा जो प्लान है इसमें बाइंग का तो बिल्कुल भी नहीं है, इंट्राडे वालों के लिए बता दे रहा हूँ। 270 रुपीज के ऊपर, 270 रुपीज के नीचे, सॉरी 270 बिलो 270 जैसे निकलता है तो इसमें हमारा टारगेट रहेगा 260 का और नेक्स्ट टारगेट रहेगा 255 का। तो इंट्राडे वालों के लिए 10 से 15 रुपए का बहुत होता है, 10 से 15, 5% का मैं बता रहा हूँ, लेकिन वैसे मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट करते रहूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। तो इसमें आपने जो है बाइंग पोजिशन बिल्कुल नहीं बनानी है, आपने इसमें जो है सेल ही बनानी है। तो ठीक है, थैंक यू। बाकी जो भी मेरे दोस्त सज्जन मित्र जो भी नए हैं कृपया हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए, जो आप 5-5, 10-10 हज़ार रुपये मंथली देते हैं आपको यहाँ पर कॉल बिल्कुल फ्री मिलती है और बिल्कुल सटीक कॉलें होती हैं। उसको ट्रेड लेने से पहले आप उसको एनालाइज करिए, उसको अपने टेक्निकल एनालिसिस से आप उसको देखिए कि वो कॉल क्यों दे रखी है। अगर आपको सही लगे तो कॉल लीजिए, अगर सही ना लगे तो आप उसको बिल्कुल ट्रेड मत कीजिए। और मेरे जो भी दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक करें। तो थैंक यू। तो कल मैं वीडियो लेके आऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो भी मैंने 4 से 5 दिनों के अंदर जो कॉल दी है, जो उसमें प्रॉफिट हुआ है, जो लॉस हुआ है, जो भी है मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो अपडेट रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू।